जी। तो 2 साल हमारी कुश्ती का उन्होंने सत्यानाश कर दिया जी। अब गई कांग्रेस में गई, अभी कल तक एग्जिट पोल दिखा रहा था कि पूर्ण बहुमत, भारी बहुमत कांग्रेस के लिए, पूरी बहुमत, भारी बहुमत, अब कांग्रेस का सत्यानाश कर दिया। हरियाणा चुनाव का नतीजा आ गया, बीजेपी प्रचंड बहुमत की ओर बढ़ रही है, आप प्रत्याशी जीते। हालांकि जब सुबह रुझान आया तो ऐसा लग रहा था कि बीजेपी काफी बड़ी हार हारेगी, लेकिन प्रचंड बहुमत की ओर बढ़ रही है, लगभग 48 सीटों पर आगे चल रही है, क्या कहना चाहेंगे? हरियाणा की जनता को बहुत बहुत धन्यवाद है, और एक स्वस्थ परंपरा का निर्वाह वहाँ की जनता ने किया है, और मोदी जी का जो काम है, नाम है, भारतीय जनता पार्टी की जो नीति है उस पर मोहर लगाने का काम वहाँ की जनता ने किया है। लेकिन जम्मू कश्मीर एक बार फिर माइनस हुई बीजेपी, क्या एजेंडा था बीजेपी का जो जिस तरह वहाँ पर प्रचार किया गया या जो लुभावने वादे किए गए बीजेपी के लिए, क्या वो खरे नहीं उतरे? देखिए, जब कहीं पर सफलता नहीं मिलती है तो वही लुभावने नारे हो जाते हैं, और वही हरियाणा में सफलता मिली तो उसको क्या कहेंगे। देखिए, जम्मू कश्मीर की कुछ बनावट है ऐसी है कि भारतीय जनता पार्टी बहुत अच्छा प्रदर्शन की है, पहले से अच्छा प्रदर्शन की है, और ठीक है, एक जनादेश है मिला है, उसका स्वागत है। दिनेश फोगाट लगभग 7,000 वोटों से जीत गई है जुलाना सीट से, स्वागत है, क्या कहना चाहिए? स्वागत है, जीत गई, वैसे वो जहां जहां जाती है सत्यानाश ही होता है। अब कहां सत्यानाश होगा, जीतने के बाद जहां जाएंगे वहां कहां सत्यानाश होगा? कुश्ती में थी जी, तो 2 साल हमारी कुश्ती का उन्होंने सत्यानाश कर दिया जी। अब गई कांग्रेस में गई, अभी कल तक एग्जिट पोल दिखा रहा था कि पूर्ण बहुमत, भारी बहुमत कांग्रेस के लिए, पूरी बहुमत, भारी बहुमत, अब कांग्रेस का सत्यानाश कर दिया, खुद तो जीत गई लेकिन कांग्रेस का सत्यानाश कर दिया। तब इस बार विधानसभा जीत के जाएंगी तो कहां सत्यानाश होने वाला है? कई हजार विधायक हैं देश के अंदर, कई हजार विधायक हैं, बहुत विधायक घूमते हैं, किस तरह सत्यानाश होगा जहां विनेश होगाट जाएंगी? नहीं नहीं, हो गया ना, अब उसको आप तोड़िए मरोड़िए मत, कांग्रेस में गई, कांग्रेस का सत्यानाश हो गया। अरे बड़े नेता है, जीते हैं बधाई है, भूपेंद्र हुड्डा नेता है, कोई वैसे थोड़ा है, जीते बधाई है। लेकिन एक बार फिर कांग्रेस ने इलेक्शन कमीशन पर ठीकरा फोड़ दिया। वो तो हमेशा फोड़ते हैं, वो तो हमेशा फोड़ते हैं। हम जब जीतते हैं तो नहीं फोड़ते हैं, जब हारते हैं तो फोड़ते हैं। अच्छा, बीजेपी को जो कांग्रेस या लद्दाख में जो हार मिली है उससे क्या सीख लेना चाहिए? देखिए, अब वहाँ की जनता सीख लेगी, वहाँ की जनता सीख लेगी, अब बीजेपी को सीखने की जरूरत नहीं है। जिस तरीके से जम्मू कश्मीर में लगातार पीएम मोदी, अमित शाह ने एक बड़ा निशाना साधा कांग्रेस पर, फिर भी वहाँ भाजपा की सरकार नहीं बनती दिखाई दे रही है, वहाँ की बनावट क्या है, वहाँ की बनावट क्या है आप जानते हैं? एक प्रयास था, एक अच्छा काम हुआ, देश के लिए गर्व की बात है, जम्मू कश्मीर के लिए गर्व की बात है। धारा 370 जो सूर्य की तरह चुभ रही थी, ठीक है, जनादेश है, अच्छा काम करेंगे जो लोग जीते हैं, करें।